किसी भी मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर को चालू है या बंद, वो दो या तीन तरीके से पता कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सबसे आसान वाला तरीका बताने वाला हूँ कंटिन्यूटी की मदद से। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर खराब है या चालू, वो कैसे पता करते हैं। मीटर में आपको कंटिन्यूटी में रखना है और कंटिन्यूटी में रख के मैं यहाँ दो आईसी रखा हूँ, दो मॉस्फेट रखा हूँ, उसको चेक करता हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि चालू मॉस्फेट और बंद मॉस्फेट में क्या डिफरेंट है और कैसे पता करें। ये जो मॉस्फेट है वो नई वाली है। नई में जिस तरह मीटर रिएक्ट करता है, जिस तरह रीडिंग दिखाता है, उस तरह ये जो ख़राब मॉस्फेट है उसमें रीडिंग नहीं दिखाएगा, ख़राब है उसमें थोड़ा सा अलग दिखाएगा। अब वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ पे वो दो जो टर्मिनल है, पहला वाला और बीच वाला, वो दोनों शॉर्ट दिखा रहा है। और जो नया वाला था उसमें ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। आप इसके टर्मिनल को अलग अलग तरह से चेक करके बंद और चालू का डिफरेंट पता कर सकते हैं। इसकी मदद से आप मॉस्फेट बंद है या चालू है वो फाइनल कर सकते हैं। और आपके जो पीसीबी जो है उसमें अगर चालू है फिर भी आप मॉस्फेट बदल देते हो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले चेक कर लो कि ये बंद है या चालू, फिर बाद में ही इसको बदलने की ट्राई करो। ये बहुत इजी तरीका है मॉस्फेट को चेक करने का। अगर मॉस्फेट शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पे मीटर में तुरंत ही चालू के मुकाबले तुरंत ही अलग रीडिंग दिखाएगा। और इसकी मदद से आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे करने से ही आपको पता चल जाता है कि मॉस्फेट चालू है या बंद है। और मिटाए हुए मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर का नंबर कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो कि मिटाए गए नंबर वाले मॉस्फेट का नंबर कैसे पता करते हैं, वो भी आपको अगले वाले वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ये लेग को चेक करना है कि आपको साफ साफ मालूम पड़े कि ये कैसे चेक करना है।